नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणे जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे हस्तरेखा के बारे में। हस्तरेखा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, कुछ हाथों में कुछ ऐसे निशान होते हैं, कुछ तिल होते हैं जो शुभ फल देते हैं, कुछ निशान जो है वो अशुभ फल देते हैं। तो आज हम बात करेंगे हाथ में बनने वाले अविवाहित योग के बारे में। तो हाथ में एक निशान जो है वो अविवाहित योग बनाता है। तो ये निशान कैसा होता है और कहाँ पर होगा, तब व्यक्ति जो है अविवाहित रहेगा, यानी उसे जीवन में गृहस्थ सुख नहीं मिलेगा, उसे पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, या स्त्री है तो भी उसे पति का सुख नहीं मिलेगा। तो जिसके हाथ में ये निशान हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके जीवन में गृहस्थ सुख में कमी आती है। तो ये निशान कौन सा है जो व्यक्ति के हाथ में हो, तो एक तरह से अविवाहित योग बनाता है। तो मित्रों, बात करते हैं आपका हाथ में आपको देखना है सबसे छोटी वाली उंगली जो है वो आपको देखनी है। छोटी उंगली में सबसे ऊपर वाला पर्व जो है, यानी पहली लाइन जो है, उसके ऊपर के स्थान में आपको देखना है कि वहाँ पर किसी भी तरह का स्टार का निशान हो, स्टार बना हुआ हो, या फिर क्रॉस का निशान हो, स्टार का निशान हो या फिर क्रॉस का निशान हो, यह निशान अशुभ होता है। छोटी वाली उंगली में सबसे ऊपर जो पहली लाइन है, पहली लाइन से ऊपर, यानी सबसे ऊपर आपको देखना है कि स्टार का निशान हो या क्रॉस बना हुआ हो, तो ऐसे में यह योग बनता है अविवाहित रहने का योग। तो अगर इनका विवाह हो भी जाए तो बाद में तलाक हो जाता है, छोटा छेड़ा हो जाता है, और उनका जीवन जो है, जीवन में गृहस्थ सुख उन्हें नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसा योग, तो ऐसा योग जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ में बनता है, ये अपना अशुभ प्रभाव अवश्य दिखाता है। तो मित्रों, ये थी इस योग के बारे में जानकारी। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।